फोर्थ अप्रैल को आ रहा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर दी आयरन मैन का बर्थडे। आज बात करने वाले हैं उनकी रियल लाइफ जर्नी की और कैसे वो एक टाइम पे फॉर 8 सेंट्स एन आर प्रिजन में डिशेज वॉश कर रहे थे और कहां वो इतने सालों तक वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन द वर्ल्ड बने। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ को एनालाइज करने वाले हैं, कैसे वो अपने रॉक बॉटम को हिट किए और अभी वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑफ हाईज पे हैं। बात शुरू करते हैं उनके बचपन से। एज ऑलवेज यू नो, चाइल्डहुड पे जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी लोगों की लाइफ में आगे तक दिखता है। उनके चाइल्डहुड में इशू क्या था कि उनके फादर वॉज एन एक्टर हु वॉज अ लॉट इन टू ड्रग्स। वो बहुत बार अपने इंटरव्यूज में बताते हैं रॉबर्ट डाउनी कि वो एज ऑफ कूल थी, एवरी वन वॉन्ट टू बी कूल। सो उनके डैड ने भी अपने बेटे को एट द एज ऑफ 6 मैरिजुआना फर्स्ट टाइम स्मोक अप कराया। एंड देन ही एंड हिज डैड यूज टू बॉन्ड ओवर ड्रग्स एंड उनको लगा कि यही हमारा बॉन्डिंग तरीका है। तो वेन ही वॉज इन हिज अर्ली टीन, सारे टाइम ही वॉज विद हिज डैड बॉन्डिंग ओवर दिस। ऊपर से उनके डैड और उनके मॉम का जब डिवोर्स हो गया, ही मूव्ड इन विद हिज डैड एंटायरली। सो यू कैन सी यहीं से कैसे शेप होने लगी उनकी लाइफ टूवर्ड्स दिस एडिक्शन। लेटर इन 1985 ही जॉइंड SNL एज वन ऑफ द रेगुलर कास्ट मेंबर्स। SNL 1970 से चलता आ रहा स्किट शो है, बहुत बड़ा शो है US का। उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली वॉज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स, तो पूरी कास्ट ऑलमोस्ट फायर कर दी गई थी इंक्लूडिंग रॉबर्ट डाउनी। तो फिर वो बाहर आए, अगेन वेंट मोर इनटू हिज एडिक्शन 1987 में, विच इज़ वेरी अनकैनी। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपना उस टाइम पे, लेस दैन जीरो नाम का, वेर ही डिड प्ले अ ड्रग एडिक्ट, अ रिच किड हु एंड्स अप डूइंग ड्रग्स एंड इट इम्पैक्ट्स हिज लाइफ बहुत नेगेटिवली। हु न्यू कि ये वो अपनी लाइफ का एक प्रेमोलेशन या यू नो पहले से एक चीज़ ऐसा स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। एज लेटर ईयर्स वुड हैव इट, वो एक्टिंग में बहुत अच्छे रहे। 1992 में उन्होंने चैपलिन मूवी में, जहाँ चार्ली चैपलिन की बायोपिक में उन्होंने टाइटलर रोल प्ले किया, तो उसके लिए वो ऑस्कर नॉमिनेट हुए थे। अगेन एज आई यूजुअली टॉक अबाउट, उस टाइम पे दैट मींस तुम अपने करियर के हाईएस्ट ऑफ हाईस पे हो। अगर ऑस्कर नॉमिनेटेड हुए हो तो हॉलीवुड होल ऑफ फ्रेटर्निटी इज आफ्टर यू और तुम नया रोल चूज कर सकते हो। सो ही वॉज अप देयर राइट एट 1992, बट हिज एडिक्शन जस्ट केप्ट पुलिंग हिम डाउन। इनफैक्ट 95-96 से लेके अगले 5-6 साल उनकी लाइफ के लोएस्ट ऑफ लोएस्ट थे, बिकॉज वहाँ पर बहुत कुछ हुआ उनके साथ। बार बार रिलैप्स करते रहे वो अपने ड्रग प्रोग्राम में, उनको भेजा जाता था रिहैब में, फिर रिलैप्स कर जाते थे। 96 में ही गॉट अरेस्टेड बिकॉज ऑफ पोजेशन ऑफ एन इलीगल वेपन एंड सब्सटेंस अब्यूज फॉर 6 मंथ्स। 97 में सेम हुआ, इनफैक्ट ही हैड अ रियली गुड जज जो उनको हेल्प करने का ट्राई करते थे, बट वो खुद जज को रॉबर्ट डाउनी एक बार बोले जब उनका यू नो ट्रायल चल रहा था कि आई फील लाइक आई हैव अ गन इन माई माउथ, आई एम अबाउट टू पुल द ट्रिगर एंड आई रियली लाइक द टेस्ट ऑफ द मेटल। तो ऐसे वो अपनी एडिक्शन को डिस्क्राइब कर रही थी। वॉज जस्ट नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट, मल्टीपल रिलैप्सेस थे इस टाइम पे प्रिजन में, उनको बार बार जाके ही हैड टू लिव द प्रॉपर प्रिजनर्स लाइफ। किसी को नहीं फर्क पड़ता उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या मॉनेटरी स्टेटस है, बिग एक्टर है, इन अ प्रिजन यू आर अ प्रिजनर। तो वो 8 सेंट्स के लिए डिशेज वॉश करते थे, टब्स में सोते थे, एंड ऑल दिस हैपेंड 97 में। फिर वह बाहर आए, यू माइट थिंक कि अब वो रिकवर कर रहे हैं, ही वुड चेंज, बट एज एडिक्शन यूजुअली डू इट, इट्स अ वेरी डार्क प्लेस, इट पुल्स यू डाउन। 99 में ही गॉट बैक, ही वॉज अरेस्टेड अगेन, और इस पर उनका थोड़ा लंबा 1 साल का उनको पीरियड के लिए डाला गया था जेल में। ही गॉट बीटन अप इन जेल दिस टाइम, वो अपने पूल ऑफ ब्लड में उठे एंड इट वॉज क्वाइट अ हैरोइंग एक्सपीरियंस। 2001 में जब वो फाइनली बाहर आए, एली मैकबील नाम का बहुत बड़ा शो था जो साइन करे वो, एंड थिंग्स लुक ग्रेट बिकॉज ही वॉज गुड इन इट, क्रिटिकल रिस्पॉन्स अच्छा था, वो नॉमिनेट हो रहे थे अवार्ड्स के लिए उसके लिए, एंड थिंग्स लुक फाइन। बट अब बाद में पता लगता है बैकग्राउंड में हिज एडिक्शन स्टिल डिडंट गो अवे एंड ही वॉज अरेस्टेड वंस अगेन इन 2001 मोटेल के पीछे। ही वॉज फाउंड इन अ फीटल पोजिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोबेबली कोकेन एंड सम पोजिशन ऑफ इट। तो अब जब 2001 में वो अरेस्ट हो गया, एली मैकबील वालों ने भी उनको राइट ऑफ कर दिया प्रोड्यूसर्स ने आखिरी 7-8 एपिसोड से। एंड इस टाइम पे ही वॉज ऑलमोस्ट हिटिंग रॉक बॉटम। उनकी 92 से जो वाइफ थी उनके साथ ऑलमोस्ट रिलेशनशिप एंड होने वाला था, डिवोर्स होने वाला था। इनफैक्ट 2003 के आसपास दे स्टार्टेड देयर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। दिस इज द टाइम दैट रॉबर्ट डाउनी जूनियर स्पीक्स अबाउट कि अब उनको लगा वो रॉक बॉटम हिट कर गए, करियर उनका लोज पे जा रहा है, उनकी लाइफ में पर्सनल लाइफ में उसी एकदम डिवोर्स आ गया। तो ही सेड अब फाइनली आई डिसाइडेड टू हेल्प माई सेल्फ, एंड 2004 में उन्होंने ओपरा के साथ इंटरव्यू किया जहां वो बताया कि 2003 में एट दिस पॉइंट ही हैड हिट रॉक बॉटम, उन्होंने कहा अब दिस इज द ओनली वे अप। वो सुजैन लेविन से मिले, उनकी जो अभी तक करेंट वाइफ हैं, अराउंड इसी टाइम पे। एंड सुजैन लेविन का एक ही कंडीशन था, सी आई विल मैरी यू, आई विल बी विद यू, आई लव यू, बट द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू बी आउट ऑफ दिस ड्रग प्रॉब्लम। तो जस्ट सारे ड्रग्स हटाने पड़ेंगे फॉर लाइफ। एंड बिलीव इट नॉट, रॉबर्ट डाउनी फाइनली डिसाइडेड टू मास्टर अप हिज स्ट्रेंथ एंड ही सेड इनफ इज इनफ, मुझे बहुत कुछ कॉस्ट कर दिया इसने मेरी लाइफ में। एंड इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स उन्होंने सारे ड्रग्स उठा के अपने पैसिफिक ओशन में डाल दिए। ही डिसाइडेड टू फॉलो द लीड ऑफ हिज वाइफ कि अब जो तू बोल रहे मैं करूँगा, एंड ही फॉलो द 12-स्टेप ड्रग रिहैब जो प्रोग्राम होते हैं, मेडिटेशन, योगा, मार्शल आर्ट्स,
everything that an actor has to do to get out of it, and he changed his life for the better. And as you will see ki personal life ke changes kaise professional mein reflect karne lage, he started getting good movies like Gothica, Kiss Kiss Bang Bang, David Fincher ke sath Zodiac naam ki ek amazing movie in 2007. All this while his demons hadn't left him completely. In terms of addiction to chala gaya tha, but wo shadow of his past was always there. So uske sare contracts mein usko kabhi bhi upfront pura paisa nahi diya jata tha. It was almost around 40-50% because insurance companies claim hi nahi karna chahti thi uska addiction ka abuse dekhkar. So he was always paid part of the money aur baki movie khatam karne ke baad, because producers with a business decision would want to secure their money. It was going like this, but he started making his comeback slowly and surely. 2008 mein, as you would all know, Iron Man I, and that changed his life forever. And since then till date he speaks about being completely sober. Unhone kabhi wapas drugs ko haath nahi lagaya. And 2008 ke baad to you know his life, it just went from strength to strength. Avengers aaye, Marvel Cinematic Universe, पूरा उनके शोल्डर्स पे इन अ वे पूरे पहले तीन फेजेस बने, एंड ही बिकेम द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द वर्ल्ड लॉट ऑफ टाइम्स. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहाँ वो अपने लोएस्ट ऑफ लोएस्ट पे चले गए थे. ही वॉज रिटन ऑफ बाय ऑलमोस्ट एवरी वन इन द इंडस्ट्री, इन द वर्ल्ड यू वुड से कि हाँ एक टाइम पे होता था, बट आई गेस दिस गाय रूइंड हिज लाइफ. But he had the courage to come back up. Of course, there was a support system, Susan Levin, as we spoke about. His wife came into his life and changed everything. But he took his step for himself. He decided to help himself. हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे उनके एक कोट के साथ, जो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो सोचते थे, कैसे इस टाइम पे बाहर आए. ओपरा के साथ ये इंटरव्यू 2004 में. Remember the phase when he actually started to turn his life for the better. No Iron Man, no success at that time. But बंदे ने decision ले लिया था, and Oprah was like the वॉइस ऑफ द नेशन एट दैट पॉइंट, एंड वहाँ पे आके कुछ डिक्लेयर करना इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट. बट उससे पहले आज की लर्निंग ऑफ द डे बता देते हैं. आज की लर्निंग ऑफ द डे ऑफ कोर्स आ रही है रॉबर्ट डाउनी जूनियर से, बिकॉज ऑफ अ रिच लाइफ एक्सपीरियंस. इट हैज़ टू बी फ्रॉम हिम. एंड ही सेज, रिमेंबर दैट जस्ट बिकॉज यू हिट रॉक बॉटम डजंट मीन यू हैव टू स्टे देयर. विच मेक सेंस कि अगर तुम्हें लग भी रहा कि आई कांट गो एनी फर्दर, राइट, द ओनली वे इज गेटिंग अप एंड बाउंसिंग बैक. तो हमारा फाइनल मैसेज यही रहेगा, अगर आपको वैल्यू दिखती है हमारे कंटेंट में, डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए. हम ऐसे वीडियोस हर वीकडे पे लाते रहते हैं. तो याद रखिएगा, माइंड का पोर्शन जरूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन जरूरी है. दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ. It's not that difficult to overcome these seemingly ghastly problems. You are saying that it's not that difficult? No. What's hard is to decide. Oh. And to say, you know, it's not, I don't want to. That's big.